हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, सुनिएगा। ये एक कौवे की कहानी होती है। एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा होता है और एक नीचे से साधु जी निकल रहे होते हैं। तो उस कौवे के आंसू होते हुए साधु की कलाई पर पड़ते हैं। और साधु उस सर उठा के देखते हैं कौवा ऊपर रो रहा था। साधु उसके पास गया, पूछते कि तेरे रोने का कारण क्या है। कौवा पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि प्रभु जी, मेरा रंग इतना काला है, मैं किसी के यहाँ भी जाता हूँ तो वो मुझे भगा देते हैं। तो कहते हैं कि बता मैं तुझे क्या बना दूँ। साधु कहते हैं बता मैं तुझे क्या बना दूँ। तो कौवा कहता मुझे हंस बना दो। तो कहते हंस तो मैं तुझे बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तू पहले हंस से जाके पूछ क्या कि उसे वो रंग पसंद है। कौवे ने कहा ठीक है। तो वो हंस के पास जाता और कहता है, और हंस भाई क्या चल रहा है। तो हंस कहता सब कुछ सही चल रहा है यार। कहता कि तेरी तो लाइफ बड़ी मस्त होगी, तू बिल्कुल वाइट है यार, चाहे जितनी गंदगी चले, चाहे जितना धूल चले, तू हमेशा सफ़ेद रहता है। कहते क्या यार बात कर रहा है, हाँ सफ़ेद रंग से अगर कोई फ़ोटो खींचे तो उसमें आते ही नहीं कि समुद्र कहाँ और मैं कहाँ हूँ, मेरे को ये रंग नहीं पसंद है। तो फिर बड़ा बहुत चक्कर आ गया कौवा, कह रहे कि तेरे को भी ये रंग नहीं पसंद है। कौवा अगले के पास जाता है। कौवा हंस से कहते तो बता तुझे कौन सा रंग पसंद है। कहता मेरे को तोते का रंग पसंद है, उसकी चोंच लाल, शरीर पूरा हरा। तो कहते वो कौवा और हंस तोते के पास जाते हैं। तो वो जंगल पे तोता रहता है, तो कम से कम 4-5 चक्कर लगाने के बाद वो तोते को ढूंढ लेते हैं। कहते और तोता क्या है। तोता कहे तोते से कहते हाल चाल पूछता और बताए तोता क्या है। कहते तेरी तो लाइफ बड़ी मस्त चल रही होगी, चोंच का रंग तेरा लाल, लोग तेरे को मिट्टू मिट्टू कहते, पालते हैं, मिर्चा खिलाते हैं, तेरे को अपने बेटे जैसे समझते, तेरे से अपना नाम लिवाते हैं। कहते अच्छा। कहते वो तोता भी कहता अच्छा। तो कहते तेरी तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होगी। तो तोता भी कहता मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ये बता तेरे को जंगल में 4 चक्कर तूने मारे, इसके बाद मैं यहाँ मिल पाया, पत्ते का भी रंग हरा, मेरा रंग भी हरा, क्या फ़ायदा। फिर वो लोग तोता से पूछते तेरे को कौन सा रंग पसंद है। तो कहते देख मोर के अंदर खूब सारे रंग है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, मोर के अंदर खूब रंग है, तो मोर के पास चलते हैं। तो फिर कौवा हंस तोता फिर मोर के पास जाते हैं। तो मोर से जब पूछा गया कि तेरी तो लाइफ बड़ी मस्त चल रही होगी, मोर कहता है हाँ बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। तो कहते यार हमें तेरे जैसा बनना है। तो मोर कहता है कि बिल्कुल नहीं मेरे जैसा बनना है। तो तीनों लोग को मोर तीनों लोग को शांत करता, कहते चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। फिर धीमे धीमे एक शिकारी के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, खट 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 करे। फिर मोर ने कहा देख इस शिकारी के पैरों की आवाज़ आ रही है। तो कहते हाँ अभी ये शिकारी आएगा, मेरा शिकार करेगा और मेरे शिकार मुझे ले जाके बाजार में मेरे पंखों को बेच देगा। इसके बाद ये सुनने के बाद तीनों लोग बिल्कुल स्तब्ध रह गए। तो फिर मोर से पूछा कि तेरी नज़र में कौन सबसे अच्छा है। तो कहता कि मेरी नज़र में सबसे अच्छा तू है कौवा, तू कि तेरे को कोई कहीं नहीं रोकता, कहीं तेरे कोई रोक टोक नहीं, तू कहीं भी जा सकता है, ना तेरे को बंद करता है। एक छोटी सी कहानी थी उन लोगों के लिए जो लोग किसी के जैसा बनना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से यार कि आप जैसे भी हो बहुत बेटर कि आपके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। इस 7.5 अरब की आबादी में आपके पास ही अकेला आपका फिंगरप्रिंट है, ये एक यूनिक चीज़ है। आप जैसे हो आप बिल्कुल वैसे ही रहिएगा।